हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ भरत पवार और आज हम वापस हाजिर हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज का जो वीडियो हमारे पास में कक्षा 11th का एनिमल किंगडम का फाइनल है सिलेंट्रेट, जिसे हम बोलते हैं नीड एरिया। क्लियर? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ का आपको सारे लैब के वीडियोस एंड ऑल आपको नीट लेवल के लेक्चर्स इसी एक प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है। हिंदी हो या इंग्लिश स्टूडेंट के बच्चे, सभी को इस पे सारा कंटेंट डिटेल में मिलने वाला है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इंडिया के हर एक बच्चे को शेयर करें, क्योंकि एक बंदा आया है जो आप कुछ तूफानी करने वाला है। तो आओ, आप सबका प्यार इसी तरह बना रहा है मेरे साथ में। आप जितना प्यार हमें देंगे मैं उतना ही आपके लिए एफर्ट से काम करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार बना रहेगा और हम जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं फ्यूचर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास में है सिलेंट्रिट्स। फाइलम का नाम हमारे पास में क्या है? निडेरिया। क्या नाम टॉपिक का? सिलेंट्रिट्स। इसे हम क्या बोलते हैं? निडेरियंस भी कह सकते हैं। क्लियर? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें क्या मिलती है? स्टिंग सेल। क्या मिलती है यहाँ पे? इसमें क्या मिलती है? स्टिंगिंग सेल्स आपको देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं निडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? हम निडोब्लास्ट, या इसको बोलते हैं हम लोग निडोसाइट्स। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं निडेरिया, या इसे बोलते हैं सिलेंट्रेट्स, या इसे बोलते हैं निडेरियन। रीजन इसका ये है बिकॉज क्या मिलती है? स्टिंग सेल मिलती है या फिर कांटे वाली सेल मिलती है, जिसे बोलते हैं निडोब्लास्ट, या क्या बोलते हैं इनको? निडोसाइट्स कहते हैं। कहानी क्लियर? बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं। इसका जो हैबिटेट है, कहाँ मिलता है यहाँ पे, वो है मराइन। क्या इसका हैबिटेट है? मराइन। फ्रेश वाटर में मिलता है हाइड्रा। यहाँ तक कहानी क्लियर? इसकी जो सिमेट्री है, अगले के कौन से मेरे पास में? सिमेट्री। तो कौन से मेरे पास में? रेडियल सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हमारे पास में? फिशू लेवल का। देखिए गाइस, बहुत सिंपल चीजें हैं, सारे फाइलम में पॉइंट कॉमन आने वाले हैं। हैबिटेट, सिमेट्री, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ये पॉइंट कॉमन है। तो हमें इनको लर्न करना है कि किसमें कौन से प्रकार का सिमेट्री है, कौन से प्रकार का इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से प्रकार की जर्मिनल लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल है। ओके, यानी आपको एक पर्टिकुलर प्लेन से काटना पड़ेगा सेंट्रल एक्सिस से लेके। लेवल ऑफ कौन सा है इसमें ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और कौन सी इसमें जर्मिनल लेयर, वो कौन सी है? डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो है। कौन कौन सी बताओ? दो होती ना, डिप्लोब्लास्टिक दो। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर? चलिए, अब यहाँ जो है मेरे पास में निडेरियस की दो बॉडी फॉर्म होती। कितनी? दो बॉडी फॉर्म होती। एक को हम बोलते हैं साहब पॉलीपेड, को बोलते हैं क्या? मेडुसा। हमारे पास में निडेरिया की दो बॉडी फॉर्म होती है, एक को बोलते हैं पॉलीप, एक को बोलते हैं मेडुसा। अगर हम डिस्कस करें किसके बारे में? पॉलीप के बारे में। तो ये क्या होता है स्ट्रक्चरली? क्या होता है? सिलेंड्रिकल। क्या होता है यहाँ पे? सिलेंड्रिकल। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको बिल्कुल ये एक इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्मेट इसको देखने को मिलता है। और एक ऐसा होता है सॉलिटरी और कॉलोनियल, अकेला भी और आपको कॉलोनी बनाकर भी बंदे रह सकते हैं। इसका जो मुंडी है, जो माउथ है ना, कहाँ पे है देख लीजिए, कहाँ पे आपका इसका माउथ? अपवर्ड है। इसका मुंडी कहाँ पे आ रही है? इसकी बिल्कुल अपवर्ड इसकी माउथ आ रही है। ओके, अब बात करें इसमें सेक्सेस की, तो ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो पॉलिप है वो यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल मेरे पास में हाइड्रा एंड एडमासिया। बहुत सिंपल है, क्या बताया मैंने आपको? सिलेंड्रिकल है, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल है, माउथ जो इसका अपवर्ड है, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडमासिया। तो यहाँ पे मैंने आपको एडमासिया का जो पॉलिप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपको इस प्रकार के ये क्या उसके ऊपर टेंटिकल्स है। ओके, ऊपर वाले जो आपको दिख रही जो स्ट्रक्चर है वो टेंटिकल्स है। सेम आजू बाजू में मेडुसा है, किस फॉर्म में आपको दिख रहा है? लाइक अम्ब्रेला शेप। कैसा ये अम्ब्रेला शेप? ऐसा आपको ये ऐसे चल रहा है। क्लियर यहाँ पे? तो इसकी जो शेप कैसे होती है यहाँ पे? अम्ब्रेला शेप आपको देखने को मिलता है। और ये क्या होता है? फ्री स्विमिंग, बिल्कुल ये फ्रीली जो है पानी में जाएंगे, तैरता ध्यान रखना। क्लियर? और ऑलवेज सॉलिटरी बेचारा, हमेशा ये अकेले रहता है ध्यान रखना। इसका माउथ का है नीचे, इसका माउथ का है ऊपर, इसका कहाँ पे? नीचे। एग्जाम्पल इसमें क्या है? ऑरेलियस एग्जाम्पल है। और ये ऑलवेज क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। क्या होता है यहाँ पे? ऑलवेज यूनिसेक्सुअल फॉर्म में मिलता है आपको। इसका डायग्राम यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये छतरी की तरह आपको बिल्कुल इसका माउथ नीचे की तरफ दिखता है, जबकि ये जो है बहुत सिलेंडर की फॉर्म में दिखता है। कहानी क्लियर? बहुत सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन नहीं मैम, बिल्कुल इसको आराम से करें स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात करें यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें यहाँ पे? इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसके जो रिप्रोडक्शन में क्या मिलता है? अल्टरनेशन जनरेशन। क्या मिलता है? अल्टरनेशन और जनरेशन, यानी पॉलिप जो है चेंज इनटू मेडुसा, मेडुसा पॉलिप, पॉलिप मेडुसा, मेडुसा पॉलिप। तो ये इसमें
कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ हमारे पास में क्या, ये पॉलिप है, ओके। पॉलिप जो स्ट्रक्चर है वो एसेक्सुअली क्या करती है, मेडुसा डेवलप करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली क्या डेवलप करती है, मेडुसा। पॉलिप क्या करती है, एसेक्सुअली क्या बनाती है, मेडुसा। जबकि जो मेडुसा स्ट्रक्चर है वो क्या बनाती है, सेक्सुअली पॉलिप, यानी ये सेक्सुअली बनाती है और ये एसेक्सुअली मेडुसा। मेडुसा क्या करेगा, बायसेक्सुअली क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा। इन दोनों में इंटरचेंज चलता रहता है, इसी इंटरचेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। एक फॉर्म से अदर फॉर्म, अदर फॉर्म से वापस अदर फॉर्म में, यानी एक से दूसरे में जो कन्वर्जेशन का जो फॉर्म होता है, फॉर्मेटिंग होती है, इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यहां तक कहानी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हम इसे बोलते हैं निडोप्लास्ट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, निडोप्लास्ट। अब ये निडोप्लास्ट क्या होती है, कि पूरी कहानी को समझिए, ध्यान रखना। अब मेरे पास आपको दिख रहा है, दिख रहा है हाइड्रा, ये हाइड्रा आपको दिख रहे हैं, हाइड्रा क्या है, बहुत सारे टेंटिकल्स दिख रहे हैं। तो इस हाइड्रा के टेंटिकल्स को जब जूम करोगे ना, देखो मैंने आपको दिखाया, ये टेंटिकल्स को मैंने आपको यहाँ पे दिखाया जूम करके, तो जूम करने पे आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या, आपको ये कांटे जैसे आपको दिख रही स्ट्रक्चर, ओके। इसको हमने और जूम किया तो इसका आकार कुछ ऐसा होगा, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, निडोप्लास्ट, निडोसाइट सेल कहते हैं। इसमें सबसे आगे ना एक हुक मिलता है, क्या मिलता है आपको, एक कांटे की तरह एक संरचना मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर। क्या बोलते हैं, ट्रिगर, ओके। ये जो कांटे नुमा संरचना मिलती है, इसे हम ट्रिगर बोलते हैं। इसी के द्वारा ध्यान रखना, ओके, जगह फर्स्ट ज्यादा ध्यान रखना आपको, मतलब, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो इसके अंदर का पार्ट देखोगे, यहाँ पे जो एक कॉइल आपको दिखी ना रस्सी, इसे हम बोलते हैं कॉइल थ्रेड। यानी ये ऐसे थ्रेड फेंकते रखना, कोई भी प्रे आने पे उसके ऊपर इतना थ्रेड फेंकता है और वहां जाकर उसको, मतलब उस पर जाके अटैचमेंट, ये ध्यान रखना, इसी थ्रेड के द्वारा करता है, क्लियर। और अंदर के जो पूरी शरीर से क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट कहते हैं। और जो पूरा एरिया सब क्या बोलते हैं, कैप्सूल। पूरा एरिया क्या होता है, कैप्सूल है। कैप्सूल की टिप पे क्या मिलता है, ट्रिगर मिलता है। उसके अंदर क्या होती है, हमारे पास निमेटोसाइट होती है, और निमेटोसाइट अपने पूरे को थ्रेड को लपेटे हुए रखती है। और जब भी उसे कोई प्रे मिलता है तो ये निमेटोसाइट बाहर निकलती है और अपने थ्रेड को उसमें उसमें फंसा देती है, होता ना तीर। अब देखते हैं बाहुबली मूवी में क्या था, धनुष था, उसमें तीर था, तीर में पीछे रस्सी था। तो रस्सी जैसे जैसे तीर छोकता है, तीर जैसे तीर चला था, रस्सी उसके पीछे धन जाती, क्लियर। सेम कहानी यहाँ पे, तो रस्सी आगे तीर जाएगा, फिर रस्सी आगे जाएगा, फंस जाएगा वहां पे, क्लियर ना। तो कुल मिला के सपोज दैट ये टारगेट है, ये क्या है, टारगेट है प्रे, ओके। तो क्या हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे ये रस्सी जो है यहाँ से निकलेगी और सीधा इस पे चिपक जाएगा, ध्यान रखना, फंस जाएगी। और ध्यान रखना यहाँ से पूरा वो उसको जो है इंडोसाइट वहां से कंट्रोल करती है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके यहाँ जाके इस पर अटैक करके अपना खाना वाना जो भी करती है। कहानी क्लियर, बहुत इजी। मैंने क्या बताया, इंडोसाइट जो सेल है इसके अंदर थ्रेड होता है, ट्रिगर होता है। इसके अंदर जो है आपको निमेटोसाइट सेल है, वो अपना थ्रेड फेंकती है, प्रे पे जाके लगता है और प्रे उसको वहां से, मतलब प्रे को पकड़ लेती है और अपना खाना वगैरह करती है। तो ये जो इसका पूरा रोल है ना, निडोसाइट का, आप बोलते हैं निडोप्लास्ट सेल का, इसका रोल क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मिलती है, हर एक टेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा आपको जनरल सेल्स मिलती है, ओके। तो इनका रोल क्या होता है, मेन काम होता है सरफेस से अटैचमेंट। क्या बोला मैंने, इनको अगर किसी सरफेस से चिपकना है, पकड़ना, क्या करेगा ये, अटैचमेंट। भैया हमें होता है ना जहाज में, समुन्द्र में जब जहाज पोर्ट पे आता है तो वहां पे रस्सी फेंकते बाहर, होता कि वहां पे उसको लॉक है ताकि जहाज कहीं जाए नहीं, भागे नहीं ना। तो ये रस्सी फेंक के जो है ध्यान रखना किसी सरफेस से अटैचमेंट दे सकते हैं, या फिर ये अपने आपको डिफेंस कर सकते हैं, अपने आपको किसी दुश्मन से, शत्रु से अपने आपको बचा सकते हैं। और दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला यहाँ पे, कैप्चर प्रे, या अपने शिकार को पकड़ भी सकते, इसे बोलते हैं कैप्चर ऑफ प्रे बोलते हैं। तीन काम थे इसके, तीन काम कौन कौन से इसके, निडोप्लास्ट के तीन रोल होते हैं। रोल नंबर वन सरफेस से अटैचमेंट देना, रोल नंबर टू डिफेंस करना, रोल नंबर थ्री कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने में काम आता है। यहां तक कहानी क्लियर। आगे चलते इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो एग्जोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है। तो इसका जो एग्जोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ है, आप सब देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे बोलते हैं CaCO3। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी हार्ड कवरिंग इसके ऊपर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है कोरल्स, आप जाते हैं ना पानी के अंदर समुद्र में, तो समुद्र में अलग अलग डिजाइन के आपको पत्थर मिलते हैं ना, वो सब क्या ध्यान रखना, कोरल्स होते हैं, क्लियर। चलिए अब चलते हैं मेरे पास में, इसके अंदर क्या मिलती है, हमें सेंट्रल कैविटी मिलती है। इसके देखो क्या विजुअल एरिया, एक यहाँ पे सेंट्रल कैविटी आपको देखने को मिलती है, ओके। उसमें एक ही सिंगल ओपनिंग, क्या बोलते हैं हाइपोस्टोम कहते हैं, एक ही माउथ, उसमें क्या बोलते हैं हाइपोस्टोम बोलते हैं। इसका जो डाइजेशन है
क्या बोला मैंने, इसका डाइजेशन, वो कैसे याद होता सर, इनकम्प्लीट डाइजेशन। क्या बोला मैंने, इनकम्प्लीट डाइजेशन मतलब मैंने यहां कौन सा, ब्लाइंड शेक। ये आपको मैं बेसिक्स वेल में करवा चुका हूं, ब्लाइंड शेक का मतलब जिसमें एक ही माउथ होता है। मैं आपको मैं पहले ही बोल दूं क्लियर, यानी इस प्रकार का अरेंजमेंट जहां पे सब कुछ कहानी एक ही तरह होती है, एक ही पूरा होता कंट्रोलिंग, यानी कि एक ही यहां से फूड एंटर करेगा और यहां से एक्सिलेटरी वापस बाहर निकलेगी। तो ये प्रकार का जो अरेंजमेंट इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड शेक बॉडी कहते हैं। यहां से कहानी क्लियर। फिर क्या बोला, डाइजेशन क्या बोला इसका, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंटर सेलुलर। रेस्पिरेशन बात करें तो क्या होता है इसमें, बॉडी सरफेस क्या होगा, इसकी बॉडी की सरफेस होगा उसका जो गैसो एक्सचेंज है। रेस्पिरेशन क्या होगा भाई, बॉडी सरफेस होगा, और तो जो वेस्ट है ना वो क्या हमारे पास में, अमोनिया। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल ध्यान रखना। अब क्या बोला मैंने आप इसका, नर्वस सिस्टम, तो इसमें नॉन पोलर न्यूरोन, क्या बोला है इसमें, नॉन पोलर न्यूरोन देखने को मिलती है जिन्हें हम नर्व नेट कह सकते हैं। यहां तक कहानी क्लियर। अगर हम बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की, तो इसमें एसेक्सुअल में क्या मिलती है, बडिंग मिलती है, जबकि सेक्सुअल हमारे पास में गैमेट प्रोडक्शन होता है, और ये दो प्रकार से मिलता है, यहां पर ध्यान रखना। ओके, तो सॉरी यहां पे गैमेट जो है मतलब बात करूं सेक्सुअल में, तो यहां क्या बोला, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोला मैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें लार्वा स्टेज मिलती है। ओके, यानी कि इसके निडेरिया की सिलेंट्रेट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है और गैमेट का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। एग्जांपल इसके लार्वा का नाम बोला ध्यान रखना, ओबेलिया में कौन है मेरे हिसाब से प्लैन्यूला, क्या ना एग्जांपल है प्लैन्यूला। ओके, ओबेलिया का कौन है लार्वा, प्लैन्यूला। ओके, और ओरेलिया का कौन सा है, इफायरा। ओबेलिया का लार्वा कौन है, प्लैन्यूला, और ओरेलिया का किसका है यहाँ पे, ओरेलिया का क्या एग्जाम्पल लार्वा नाम क्या है, इफायरा। कहा निकले, बहुत सिंपल ध्यान रखना है, सब में फॉर्म कमेंट पर मिलेंगे। इसके बाद जितने हम फाइलम पढ़ने वाले हैं, देखो एक्चुअली में चैप्टर को पढ़ने का तरीके ध्यान ये है इसमें कि कॉमन पॉइंट सब ले लीजिए, इसका हैबिटेट, सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेवर, से कोई स्पेसिफिक करेक्टर तो वो ले लीजिए, एंड देन उसका स्केलेटल कैविटी है या नहीं है, सो रेस्पिरेटरी, एक्सिलेटरी, डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम, एक्सिलेटरी और उसका रिप्रोडक्शन। तो ये एक कॉमन पॉइंट है जो हर एक में डिस्कस करने होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, तो हमें लर्न रखना होता है। रिमेंबर है कि आपको यहाँ ध्यान रखना जो एग्जाम्पल है वो लर्न रहे, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम्पल भर भर के आते हैं और एमसीक्यू यहाँ से काफी निकलते हैं, तो इसको अच्छे से लर्न करें। अगर आपको चैप्टर में समझ में आ रहा है पढ़े मजा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।